भारत की बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? भारत की बाह्य सुरक्षा के जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, वो है पड़ोसी देशों की चुनौतियां, मध्य पूर्व की घटनाएं, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष का सैन्यकरण और साइबर स्पेस से खतरा, और दुर्लभ संसाधन जैसे कि ऊर्जा, सामरिक खनिज जैसी प्रतिस्पर्धा का गहराना। पड़ोसी देशों से क्या चुनौतियां हो सकती हैं भारत की बाह्य सुरक्षा को? भारत एक वृद्ध भौगोलिक राष्ट्र राज्य है जो कई देशों के साथ भू और समुद्री सीमा साझा करता है। ये पड़ोसी देश भारत के साथ मिलकर के मैत्री संबंध बरकरार नहीं रखते हैं। नीति और उपयोगिता इन देशों के लिए व्यवहार की प्रकृति को निर्देशित करती है। भारत की विदेश नीति की दुखती रग सदा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध रहा है, जिसके रेंज में इसके दो पड़ोसी देश पहले हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान के साथ में खराब संबंध से लेकर के श्रीलंका के साथ खराब नहीं है लेकिन जटिल संबंध है, मालदीव के साथ में हमारे बढ़ते का अच्छे रिलेशन है, और बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ गहरे संबंध है, और भूटान के साथ हमारे नाजुक समीकरण बने हुए हैं। 1947 में प्रादेशिक बंटवारे में, जिसमें भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किया, दोनों देशों के बीच में कई मुख्य मुद्दों पर असहमति के कारण तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जैसे कश्मीर पर नियंत्रण, आतंकवाद, सुभेद्य सीमा के माध्यम से घुसपैठ, चीन आक्रामक विस्तार को अपनी नीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाता है। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने ही भारत ने समय समय पर अपने भूभाग से शरणार्थियों के आने और उसके कारण जातीय संघर्षों का सामना किया है, जो कि आमतौर पर इन देशों के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण होता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले क्रमशः चकमा और तमिल शरणार्थियों को शरण दिया, जो बांग्लादेश से चकमा जाति के लोग आए हैं और श्रीलंका से जो तमिल जाति के जो लोग आए हैं उनको भारत ने शरण दी है। म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक क्षेत्र का एक अपना दायरा बनाए हुए है। दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन की मौजूदगी का ये म्यांमार है मुकाबला करता है। भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग का एक अनोखा संबंध साझा करते हैं, जिसकी मुख्य विशेषता खुली सीमाएं और संस्कृति का लोगों के एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। परंतु हाल ही में जो मधेशी आधारित दलों और अन्य समूह द्वारा विरोधी प्रदर्शनों के बीच 20 सितंबर 2015 को नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने एक संविधान प्रख्यापित किया, भारत सरकार ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की और नेपाल सरकार ने सभी मुद्दों को एक विश्वसनीय राजनीतिक बातचीत द्वारा सुलझाने हेतु प्रयास करने के अनुरोध किए हैं। भारत और मालदीव के बीच में द्विपक्षीय मैत्री संबंध रहे हैं, सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में काफी निकट संबंध है, परंतु वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच राजनयिक और वाणिज्यिक रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हैं 2015 के आसपास। अभी 2019 में रिश्ते भारत के मालदीव के साथ में अच्छे हैं। तब से एक तख्तापलट से भूतपूर्व राष्ट्रपति से नासिद को पदच्युत कर दिया गया है और बाहुद हसन को सत्ता में लेकर आए हैं। उसके पश्चात जीएमआर द्वारा निर्मित हवाई अड्डे के संबंध में विवाद उपज गया है, और यह बताना यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि एक 100% सुन्नी राष्ट्र होने के बावजूद मालदीव हाल ही घटनाओं में तक इस्लामी कट्टरपंथ के उदय में इतना प्रभावित नहीं था, इसलिए कुछ वर्षों में मालदीव के लोग पाकिस्तान के मदरसों और जिहादी समूह की ओर बड़ी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं। मध्य पूर्व के बारे में हम देखें, भारत और मध्य पूर्व के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदान प्रदान फला फूला है। यह संबंध आधुनिक युग में जारी रहा है। भारत ने मिस्र के साथ में एक मजबूत रिश्ता बनाया है, और विशेष रूप से तब जब दोनों देश शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संरक्षक रहे हैं। भारत ने ईरान, इराक, सीरिया और खाड़ी देशों के साथ में द्विपक्षीय संबंध तब से बरकरार रखे हैं जब क्षेत्र में मसालों के व्यापार में अरब का दबदबा था। वर्तमान में मध्य पूर्व की सुरक्षा और राजनीतिक हालात काफी अस्थिर हैं। हमें एक चेतावनी के तौर पर लेकर 5 लघु से लेकर के मध्यम अवधि की चुनौतियों का कल्पना की जा सकती है। पहली चुनौती है, यहाँ तक कि 5 वर्षों के बाद भी अरब स्प्रिंग को लिखने के लिए बहुत जल्द शुरू हो गया है। अरब के बदलाव की वजह से उसके पाठ्यक्रम को नहीं चला है। हमें सर्वसमावेश रूपरेखा की कमी के बावजूद अलग अलग अरब देशों के एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो अपने सामाजिक और जनसांख्यिक विशेषता को दर्शाता हो। कोई देश अन्य दूसरे के लिए उपयुक्त मॉडल को प्रभावित या निर्धारित नहीं कर सकता।
क्षेत्र में घटता अमेरिकी प्रभाव जारी रहेगा क्योंकि कोई अन्य देश या देशों का समूह वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। कुछ बाहरी शक्तियां प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगी, परंतु संपूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा नहीं होगा। ISIS धार्मिक चरमपंथ और सांप्रदायिक तनाव बने रहने वाले हैं, और राजनीतिक हिंसा राज्य की स्थिरता, प्रादेशिक विवादता और कुछ मामलों में जीवन क्षमता तक को कमजोर बनाए रखना जारी रहेगा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष महत्वपूर्ण है, परंतु तत्कालीन समाधान की संभावना नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों में विवेक, दूरदृष्टि और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही वो मुख्य समस्या नहीं है, अरब और गैर अरब देशों की फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय भिन्नता के अतिरिक्त है। चिंतित होने के लिए और भी कई सारी गंभीर समस्याएं हैं। तेल की कंपनियों में कमी जारी रह सकती है और छोटी और बड़ी दोनों ऊर्जा कंपनियों की प्रभावित करेगी। ईरान प्रतिबंधों का प्रवेश कीमतों पर और अधिक दबाव डालेगा। कम तेल की कीमतें भी सौर ऊर्जा जैसे कि गैर हाइड्रोकार्बन ऊर्जा विकल्प के रूप में खोज को प्रभावित कर सकेंगे। समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां हैं भारत के लिए, जैसे कि भारत एक समुद्री सीमाओं वाला राष्ट्र है, न केवल ऐतिहासिक परंपरा के कारण परंतु इसमें परंतु अपने भू भौतिकी या समाकृति के कारण भी और भू राजनीतिक परिस्थिति की से एक दपी है एक द्वीपी है राष्ट्र के रूप में समुद्र पर निर्भर कर बनाती है। समुद्री सीमाओं वाले राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों के साथ ही भारत में संभवतः अधिकांश यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक समुद्री लोग हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियां निम्न तीव्रता वाले संघर्षों और समुद्री डकैतों से लेकर के प्रमुख शक्ति सामरिक प्रतिस्पर्धाओं तक की संपूर्ण रेंज को कवर करती हैं। इसकी जो भौगोलिक विशिष्टता और वैश्विक समुद्री केंद्र बिंदु का संयुक्त अंटार्कटिक प्रशांत से भारत प्रशांत तक ये फैला हुआ है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हिंदू महासागर क्षेत्र के महत्व शीत युद्धोत्तर युग और सबसे नवीनतम जो 9/11 के युग में हमारी भारी वृद्धि हुई है। हमारे विचार और लोगों और संसाधनों के बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार के कारण पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि ने नवीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है। इसमें समुद्री डकैती, आतंकवाद, मानव दुर्व्यवहार सहित गैर राज्यकर्ताओं के बढ़ता खतरा, पर्यावरणीय निम्नीकरण का प्रभाव, संसाधनों का अपव्यय और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर राज्य और असफल होती संस्थाएं, इन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना इस क्षेत्र की सीमा वाले समान भिन्न राष्ट्रों से होता है। ऊर्जा की कमी वाले राष्ट्र जैसे कि चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों के साथ पूरे विश्व में विशेषकर पश्चिम एशिया से ऊर्जा संसाधनों का भारी मात्रा में आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा उत्पादों की प्राप्त करने के लिए समुद्र पर निर्भरता प्रगतिशील रूप से विकसित हो रही है। हम इन जहाजों और उत्पादों पर खतरा पैदा करता है जो समुद्री डाकू और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा निशाना बनाए जा रहे हैं। अंतरिक्ष का सैन्यकरण शीत युग के दौरान अंतरिक्ष युग का अन्य रंगमंच बने बिना भूमि पर लड़ाई का आवश्यक सहायक बना है। अंतरिक्ष का सैन्यकरण तेजी से हुआ है, परंतु अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से बचा गया है क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष सशस्त्रीकरण से बच गया। इसका अर्थ यह नहीं कि असीमित युद्ध के नए युद्ध में इसमें बचाया जाएगा। हम कुछ खतरों के खिलाफ उपग्रहों सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं, परंतु उपग्रह उन आंतरिक हथियारों के आसान लक्ष्य बने रहेंगे जो टकराने पर नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बहुत गहरी नागरिक जड़ें हैं। यह भारत को इसके विशाल में सहायक करने के साधन के तौर पर प्रारंभ हुआ है। इसका मुख्य केंद्र इसके नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर है। सबसे हाल ही में भारत ने अपने आंतरिक प्रयासों में शैली आकस्मिक परिवर्तन किया है। हाल ही में देश ने अधिक सैन्यकरण दृष्टिकोण अपनाया है, जैसा कि भारत ने एक स्वदेशी प्रक्षेपात्र रक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए वृद्धित प्रयासों पर उदाहरण दिया है। भारत के आंतरिक प्रयास अंतरिक्ष की दीर्घकालीन निरंतरता को अत्यंत प्रभावित करते हैं और अधिक ध्यान देने योग्य हैं। और अगला पॉइंट आता है हमारा
भारत की बाहरी सुरक्षा से लेकर साइबर स्पेस, जिसको हम अलग से बाद में कवर करेंगे। फिर हम देखते हैं दुर्लभ संसाधन हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना। वर्ष 2003 में ईयू की यूरोपियन सुरक्षा राजनीति ने प्राकृतिक संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा का एक वैश्विक चुनौती के रूप में चिन्हित किया। पूर्व यूएन महासचिव काफी अन्नान ने द्वारा गठित खतरों, चुनौतियों और परिवर्तनों संबंधी उच्च स्तरीय पैनल की 2004 की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की कमी अशांति और नागरिक हिंसा का कारण बन सकती है। 2009 में पर्यावरण संघर्ष और शांति निर्माण संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने यह नोट किया कि आगामी दशकों में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही संसाधनों की मांग भी बढ़ना जारी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों हेतु संघर्ष की भारी संभावना है। 21वीं सदी में संसाधनों की कमी को सबसे बड़े सुरक्षा खतरों में से एक माना जा रहा है। भारत में परिप्रेक्ष्य में भारत संसाधन शोक और सुरक्षा के बीच जुड़ाव की बाह्य और विभाग पाकिस्तान और चीन के साथ में कारागारों से को समझने योग्य है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने बंगाल की खाड़ी और इसमें प्राकृतिक गैस बड़े भंडारों की भविष्य के सीनो भारत संघर्ष का स्रोत माना है। चीन ने बर्मा के साथ एक बड़ा प्राकृतिक गैस समझौता किया है और जल्दी ही श्रीलंका के साथ भी कर लेगा। इसी बीच पानी और भारत और चीन के बीच में सीमा तनावों में से एक मुख्य तनाव का कारण है पानी। भारत और चीन के बीच में ये तनाव क्षेत्र सबसे समृद्ध जल क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश राज्य के। अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व भूमि विवाद से आगे जाता है। अंततः भारत ब्रह्मपुत्र सहित जो निम्न जल भारत में बहती है, तिब्बत के पठार से निकलने वाले नदियों पर चीन द्वारा बांध निर्माण में अत्यंत अत्यधिक सतर्क है। तो ये भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव क्या है और यह बाह्य सुरक्षा से कैसे अलग है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राज्यों के सामरिक सामने आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या रही हैं, उनके बारे में हमें बताना है। एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा के सिद्धांतों का मुख्य तत्व क्या क्या है और उन्हें कैसे हम हल करेंगे। तो ये हमारा भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में था। बाकी चीजें हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में देखेंगे।